लेकिन सबको आपको सलाम नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ये प्राणव एंटरटेनर्स की एक खूबसूरत सी जो सीरीज शामें चलती हैं उसकी एक और श्रृंखला आज जुड़ रही है इस रूप में आप सभी यहाँ बता रहे हैं आप सबका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत अभिनंदन है वंदन है आप सभी को क्योंकि संगीत के ऐसे सुरीले सफर में अगर आप मौजूद ना हो तो बहुत सूखा सूखा नीरस सा लगता है तो आप सबको नमन करते हुए आइए इस शाम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने में जो नाम अब हम आपके सामने लेने जा रहे हैं दरअसल जब उनका हम नाम लेते हैं तो टैगोर थिएटर और पुराने वाले टैगोर थिएटर का भरा हुआ हॉल याद आता है उनके गाने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन का सीन याद आता है जब सब लोग खड़े होकर कई मिनट तक तालियां बजाते हैं क्योंकि वो नाम है राम तीरथ जी का ऐसे बेहतरीन फनकार जिनको सुनकर अगर आप आज बंद करके सुनते हैं तो यूं लगता है जैसे रफी साहब की आवाज आज के जमाने में आपके कानों तक पहुंच रही है रस घुल रही है एक बार जोरदार तालियों से राम तीरथ जी का आइए स्वागत करें अभिनंदन करें ये विनम्रता इनकी ये प्यार ये मोहब्बत और गाने भी कुछ ऐसे सुने जो पहले उन्होंने शायद आपने कम सुने ये गीत जो है 1970 में फिल्म आई थी हीर राजा और मदन मोहन साहब के संगीत में रफी साहब के गानों की और बल्कि हीर राजा में तो बारिश शाह का लिखा हुआ एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है ऐसी किताब है और ऐसी दास्तान है जिसमें बहुत सारा खूबसूरत मंजर और उसके डायमेंशन है लेकिन उसी का कहीं ना कहीं एक रंग लेकर जो फिल्म बनी हीर राजा चेतन आनंद साहब ने फिल्म उसी फिल्म का पहले एक गीत कम से कम सुन लेते हैं राम तीरथ जी गीत कौन सा है राम तीरथ जी कौन सा वाला गीत है गाने बहुत है उसमें 10-11 गाने सुना कौन सा गीत गा रहे हैं अभी आप तेरे कूचे में तेरा दीवाना तेरे कूचे में तेरा दीवाना क्या बात है एक बार आपकी मोहब्बत तालियों की आवाज के साथ राम तीरथ जी अकेला ही गुनहगार नहीं तूने
एक और रंग हम आपके साथ पेश करना चाहते हैं एक ड्यूट के रूप में।